Hey guys, welcome back to the channel. बहुत टाइम के बाद में वीडियो निकल रहा हूँ, माय गॉड, बहुत टाइम के बाद में वीडियो निकल रहा हूँ। ये वापस मैं राइड कर रहा हूँ दगड़ूशेठ, जो कि हर साल मैं जाता हूँ दगड़ूशेठ को बप्पा के दर्शन करने। या अभी मैं सोलो राइड कर रहा हूँ, हर साल गणपति के फेस्टिवल पे, हर साल नहीं मतलब ऐसे भी जाते रहता हूँ, बट उसके पीछे एक रीज़न है। मैंने जैसे एक मन्नत मांगी थी, अभी आई डोंट नो ये मन्नत कितने लोग बिलीव करते हैं कितने लोग नहीं, बट मैं बिलीव करता हूँ। ये अपना अपना पॉइंट होता है, मैं उस चीज़ में मानता हूँ। मैंने मन्नत मांगी थी, वो पूरी हो गई थी। मैं हर साल जाता हूँ वहाँ पर गणपति में। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है, यहाँ पे ड्रॉबैक एक ही है, मैं चल के जाता हूँ दगड़ूशेठ, बट प्रॉब्लम ऐसे है कि अभी बारिश मतलब अभी तीन दिन चार दिन से कंटिन्यूसली, आपको तो पता ही होगा, गिर रही है। तो उसकी वजह से और कोरोना की वजह से आई डोंट नो मुझे मतलब लाइक अलाउ करेंगे कि नहीं, पता नहीं, रूल्स हर बार चेंज होते रहते हैं, इसकी वजह से थोड़ा डर भी लगता है। तो इसके वजह से मैंने बाइक अभी कैरी किया हूँ, बाइक लेके। ठंडी भी बज रही है यार मस्त एकदम। चलो भाई चलो, ये क्या सामान वामान लेके जा रहा है इतना बड़ा। अब देख पा रहे हो दोस्तों, खड्डे पे खड्डे, कैसे गाड़ी निकल रहा हूँ मुझे ही पता है। प्राइम एरिया में ये पे खड्डे खड्डे खड्डे, बाय गॉड की कसम इतने खड्डे। किसने कहा स्टैंड मेरा स्टैंड, मज़ा भी आ रहा है और अच्छा भी लग रहा है। काफ़ी टाइम के बाद इंटरेक्ट कर रहा हूँ आप लोग, आप सभी के साथ। जितना जल्दी हो सके वहाँ से दर्शन लेके मुझे निकलना, अभी पता नहीं कितने बजे दर्शन का टाइम बंद हो जाता है, आई डोंट नो। जैसे निकल गया हूँ मुझे कुछ आइडिया नहीं है, क्योंकि सिटी एरिया से थोड़ा मैं दूर रहता हूँ, इसकी वजह से कुछ आइडिया नहीं है। और सिटी में कोई है मेरा दोस्त भी नहीं जिसको मैं जाके पूछ सकूँ कि क्या टाइमिंग है। तो जो भी हो, मैं बाहर से रिपेयर करके जा सकता, ऐसा कुछ ये नहीं है, अलाउ करे या ना करे। सिर्फ मंदिर के अंदर एंटर करना अलाउ नहीं करते वो लोग, अलाउ नहीं करते। बाहर से दर्शन कर सकते रोड से, बस लाइक हम मूर्ति बैठाई हुई रहती है, मूर्ति ऐसी जगह पे बैठाई है फ्रंट फेसिंग सर, कि अगर आप जाओगे वापस तो तुरंत आपको बप्पा का फेस ही दिखाई देगा। तो मेरे भी एक अभी मंदिर के अंदर तो शायद अलाउड नहीं है, मैंने न्यूज़ में देखा था कि जो भी दर्शन के लिए आ रहे हैं उन लोग को जस्ट लाइक बाहर से ही, कोरोना की वजह से बाहर से दर्शन दे के वहाँ से फिर आगे चल, ऐसा कुछ काम है वहाँ पे मतलब चल रहा है। लेकिन अच्छा है फिर भी, अगर बाहर से भी दे रहे तो ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि समझ सकते हैं कोरोना के चक्कर में मंदिर के अंदर अब इकट्ठा होंगे तो चांसेस ज़्यादा है कोरोना फैलने का। कंटिन्यूसली देखता हूँ, अभी चार्जिंग भी मैंने अपने कैमरा को कर चुका हूँ मतलब फुल चार्जिंग, अभी देखते हैं
फुल चार्जिंग में तो चल जाता है, क्योंकि पिछले साल भी मैंने वीडियो बनाया था, अपलोड किया था। ओ ये एकदम क्या बोलते हैं वो, ट्रिपी ट्रिपी लाइट एकदम ट्रिपी सीन स्ट्रीट लाइट पे। तो पिछले साल भी मैंने वीडियो अपलोड किया था गाइस, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देखना। टाइटल कुछ नाइट आउट टू दगड़ूशेठ हलवाई गणपति दर्शन ऐसा कुछ मैंने लिखा हुआ है, मुझे भी याद नहीं। पिछले साल ने उसके पिछले के पिछले साल आई गेस 2019 में, हाँ 2019 में मैंने वो वीडियो बना था। फिर उसके बाद तो लॉकडाउन के चलते कुछ पॉसिबल हुआ ही नहीं। स्टिल वी आर होपिंग बेस्ट कि अभी तो सब जगह लाइक ओपन हो चुकी है, ऐसा कुछ ये नहीं कंपलसेशन नहीं कि आप ये कहीं ना जा सको। क्या है ये सीन भाई साहब, जैसा कि आप देख सकते हैं अभी मैं पहुंचा हूँ ब्लू डायमंड होटल के। आप सिग्नल सिग्नल चलो जस्ट लाइक कि मैं अभी सोच ही रहा था, आई एम सॉरी कि ये मुझे जो मेरे विंडशील्ड है हेलमेट के वो निकालना पड़ रहा है बार बार जहाँ पे मैं रुक रहा हूँ, क्योंकि आप सभी को पता ही है प्रॉब्लम क्या होता है, फॉग जमा हो जाता है जो उसकी वजह से दिखता नहीं ठीक से। तो अभी मैं कॉन्रैड होटल के यहाँ पे पहुँच गया हूँ। जस्ट लाइक मैं पूना स्टेशन से कुछ 15-20 मिनट की दूरी पर हूँ। ओह शिट, अरे बाप रे, अभी आएगा वाड़िया कॉलेज। आई डोंट नो कि मैं कैमरा साफ कर ले तो आई डोंट नो इससे दिख पा रहा होता कि नहीं, बट मैं लेवल बेस्ट आपको अच्छा सा व्यू अच्छा सा मतलब दिख जाए। ये मेट्रो का काम चल रहा है ऊपर, जो कि मेरे पिछले के पिछले साल के वीडियो में आई डोंट नो, हाँ शायद से रहेगा। मेट्रो का काम हाँ सबसे ही चल रहा है 2019 में, अभी डेट वगैरह एग्जैक्टली मुझे पता नहीं, बट अरे बाप रे, अब देख सकते हो मेट्रो के खड्डे भाई साहब इतने तफसील से लगे हुए हैं, इतने तफसील से, तफसील माने ऐसे जगह जगह पे लगे हुए कि भाई गॉड पीठ की मसाज हो रही है। अभी मुझे यहाँ से जाना है मनपा, मनपा से फिर शनिवार वाड़ा, शनिवार वाड़ा से दगड़ूशेठ हलवाई गणपति। होप सो कि दर्शन भी मिले और मैं जल्दी से जाके यहाँ से निकलूँ भी जल्दी से। आप देख सकते पानी टपक रहा है। अभी ठपके ठपके बज गया भाई साहब, भाई साहब ठपके ठपके बज गए। चलो ये भी सिग्नल छूट गया, चलो 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 चलो, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट कराओ, मैंने जल्दी जल्दी जाना है। ये वाला टर्न मुझे बहुत डरा देता है, क्योंकि ये वाला इतना शार्प मतलब काइंड ऑफ शार्प है ये, क्योंकि ऐसा इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था। ये आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में मेरे पूना स्टेशन है यहाँ पे, और हम ये मेट्रो का काम ऊपर चल रहा है, अभी तो हुआ नहीं है। कोरोना में आई गेस फटाफट मतलब जितना चाहिए उतना तो हो गया है ऑलमोस्ट, अभी शायद टेस्टिंग वेस्टिंग कर रहे रहेंगे।
रही है या बनाई हुई मेट्रो ठीक से चल रही कि नहीं, मतलब मेट्रो का काम ठीक से हुआ है कि नहीं। तो गाइज अपने 1000 सब्सक्राइबर बहुत जल्दी होने वाले हैं, तो प्लीज़ मेरी यही आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी जल्दी 1000 सब्सक्राइब पूरे करवा दो। और यह यहाँ पे पानी की बहुत चार रहते हैं, पानी पानी पानी। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि गाइज प्लीज़ 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 1000 सब्सक्राइबर अपने करवा दो जल्दी पार। और मैं ट्राई कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, एक्चुअली प्रॉब्लम ये हो रहा है काम की वजह से मुझे टाइम नहीं मिल रहा है। मेरा काम मतलब अभी क्या बोलूँ भाई, काम की वजह से मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा है। सुबह जाता हूँ 8:30 बजे, तो फिर उसके बाद ये क्या बारिश, ओ नो व्हाट्स हैपनिंग। सुबह जाता हूँ तो डायरेक्ट आ जाता हूँ मैं शाम को, और तेरी भैंस की पूछ, बहुत बड़ा खड्डा था, बहुत बड़ा खड्डा था, बहुत बड़ा। तो अपने को जाना है लेफ्ट, और वहाँ पे सीधा जाओगे तो शिवाजी नगर। ओके राइट, सीधा जाना है। अरे 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 राइडर, ये इनविटेशन बहुत अच्छा दे रहा है मौत को, गॉड नोस क्या होगा। अरे यार यहाँ पे गणपति बैठता था, मुझे पता है अभी तक वो गणपति है सामने। आप कोई ना आवे, ओके अच्छा। यहाँ पे ये गणपति आप दिख रहे मेरे लेफ्ट साइड में, मुझे याद है जब मैं फर्स्ट टाइम डब्रूसेठ बापा के दर्शन करने के लिए गया था, तब छोटे छोटे बच्चों ने वो या लाइक गणपति की ने आरती कर रहे थे, जस्ट लाइक वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे गणपति बापा की आरती कर रहे थे। यहाँ पे भी गणपति है लेफ्ट साइड में, अभी ज़्यादातर मेरे लेफ्ट राइट दोनों साइड आप देखते रहोगे तो गणपति बप्पा की मूर्ति और डेकोरेशन आपको दिखेगा। इस साल तो थोड़ा कम आपको डेकोरेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि रीज़न तो पता है आपको, मतलब कोरोना, नहीं तो इतने बड़े बड़े सेट लगे हुए रहते हैं। इस बार तक तो सेट हलवाई बप्पा गणपति जो है वो इसके अंदर ही रखा हुआ है, जस्ट लाइक मंदिर के अंदर ही, मंदिर से मंदिर के बाहर नहीं निकाला है। मैं तो पापा का जो स्थान है जहाँ पे मूर्ति रखते वो अलग जगह पे रहता है। यहाँ पर भी लेफ्ट साइड में रहता है, बट इस साल नहीं बैठा है। वाह ब्रिज इतना अच्छा बना है, लाइटिंग वाइटिंग सब। शर्ट से भरा हुआ मेरा जूता, ये पहुंच गया मैं फाइनली। लिफ्ट लेने के बाद अगर राइट साइड में देखोगे तो मैं पहुंच गया हूँ शनिवार वाड़ा। और आपको बता दो दोस्तों, हर साल यहाँ पे बहुत सारी गर्दी रहती है, जिसमें यहाँ से लोग चल के वहाँ तक जाते हैं, मतलब पापा के दर्शन करने के लिए। सोचिए आप, इट्स नॉट एन इजी कि यहाँ पे इतना रश होता है। और इस रश में आप देख सकते हैं यार, अभी मैं बाइक, अभी बहुत बड़ा टास्क है मेरे लिए, मैं बाइक काफ़ी लगाऊँ जहाँ से मुझे
पापा के दर्शन इसी करने के लिए मिलेंगे। ये ग्राम देवी कस्बा है, कस्बा गणपति, वहाँ पे गणपति है, मूर्ति घर पर। क्या हो गया गाड़ी को, टायर पंचर हो गए? पुणे शहरातील गणेश मंडळाने गणेश भक्तांसाठी ऑनलाइन दर्शन सुविधा उपलब्ध केली आहे। ये अपन आगे देखते हैं ऑनलाइन गणेश दर्शनाचा लाभ। पापा के दर्शन एक्जेक्टली अभी बाइक कहाँ पे लगाओ, बाइक कहाँ पे लगाओ, बाइक कहाँ पे लगाओ, बाइक कहाँ पे लगाओ, बाइक कहाँ पे लगाओ। आगे इतना रश रहेगा तो बाइक लगाने का जगह नहीं मिलेगा। Hey guys, hi again. अभी जस्ट दर्शन लेके हो गया। आई एम सॉरी कि मैं एक्चुअली वहाँ पे इतना रश था कि मैं अपना जो कैमरा है वो निकाल ही नहीं पाया और शूट भी नहीं कर पाया। एक्चुअली वहाँ पे अलाउड भी नहीं कर रहे थे शूट करना है, यहाँ तक कि फोटो तक भी निकालने के लिए नहीं दे रहे थे। तो फटाफट दर्शन किया, बाकी सारे गणपति जी के भी, गणपति बापा जी के भी दर्शन कर लिए। अभी बैक टू दी होम, अभी मैं घर जा रहा हूँ। और जाते जाते जो भी आपको दिख जाएगा वो बताते जाऊँगा। अभी फ़िलहाल तो टाइम हो गया दोस्तों 11:45 हो गए, फिर भी आप देख सकते हैं कि क्राउड का जो आवन जावन है वो चालू है। जस्ट लाइक अगर मुझे वहाँ पे पॉसिबल होता कैमरा चालू करना तो मैं आपको बता देता कि वहाँ पे भी कितना रश था। रश यानी कि प्रॉपर डिस्टेंस वगैरह सब मेंटेन करके, इतना भी नहीं डिस्टेंस मेंटेन कर रहे थे, बट प्रॉपर मास्क सैनिटाइज़र वगैरह सब कुछ था वहाँ पे। तो अभी जाना है मुझे लेफ्ट, ये भैया रुकाएंगे मुझे। फाइनली अच्छा फील कर रहा हूँ दर्शन लेने के बाद। ये मैं अपने जो घर जाने वाला रूट है वही पकड़ लिया, जैसे आया था वैसे ही जाऊँगा, मतलब घर पे। बहुत सारा कीचड़ हो गया था, आप जा रहे हो? वेयर इज गोइंग मैन? यहाँ से वन वे हाँ जा सकते। आप में कुछ चला गया यार, कुछ चला गया। माय गॉड, क्या चला गया। क्या है ये पग? ओह माय गॉड,
बहुत जल रहा था। ये आप देख सकते हैं मैं अलोन, क्या हुआ? तो ये देखिए ये हाल है, कीचड़ इतना उड़ रहा है पैर पे, इसलिए ऊपर रख के मुझे पैर ऊपर रख के बाइक चलाना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, ये तो बारिश के सीजन में नॉर्मल है। थोड़ी सी ठंडी लग रही है, हल्की सी ड्रिजलिंग हो रही थी बट बंद होगी। हम देख सकते हैं शॉप अभी भी खुली है क्योंकि पता है रात रात एक एक दो दो बजे तक पब्लिक आती है डब्ल्यू शेठ हलवाई बापा जी की दर्शन के लिए, और उतने नहीं उस सराउंडिंग में बहुत सारे गणपति है। अभी मैं नाम बताने जाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा, ओ शिट, बट बहुत सारे मंडल के गणपति है और हर साल उनका अलग अलग डेकोरेशन का कॉन्सेप्ट रहता है और वो मुझे बहुत अच्छा लगता है देखने के लिए। भाई साहब इतने खड्डे, माइनर वाले खड्डे, माइनर रहने के छोटे छोटे खड्डे, मुझे अभी भी आज भी मतलब याद है दोस्तों। इसी रोड से मैं जा रहा था, उस दिन बहुत बारिश गिरी थी और मेरा मोबाइल जो है वो मैंने प्लास्टिक बैग के अंदर डाल के रखा था, और इसी रोड पे जाते 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 गाने सुन रहा था मैं, और मुझे पता नहीं लाइक लूज ट्राउज़र थी के अंदर मोबाइल कब आगे तक आ गया, मतलब गिरने तक पता ही नहीं चला, और यह इसी रोड पे किधर तो गिर गया था मेरा मोबाइल। और भला वो पुलिस वाले भाई साहब का जिन्होंने वो मोबाइल उठाया उनके पास रखा, और वो खुद बाकायदा उस रोड पे ढूंढ रहे थे कि किसका मोबाइल ही गिरा है, और सडनली मतलब मैं भी देख रहा था यहाँ वहाँ, तो मैंने भी गाड़ी रुकाई, उनने भी गाड़ी रुकाई। मैं बोला चलो, मैं ये सोच के गाड़ी रुकाई, बोला पुलिस वाले को बोल देता हूँ मैं यार ऐसा ऐसा हुआ इंसिडेंट मेरे साथ, कंप्लेंट वम्प्लेंट, क्योंकि यहाँ से नज़दीक पुलिस चौकी है, तो मैं बोला कंप्लेंट वगैरह लिखवा दूँ। मैंने सोचा इसके बाद बोला तो जस्ट लाइक मैं उनके पास गया, मैंने उनको बोला कि शायद मेरा मोबाइल जो है वो गिर गया अभी, बोला मैं डाक घर पे जा रहा था, तो उन्होंने मोबाइल निकाला और बोला कहीं ये तो मोबाइल नहीं तेरा। और सडनली दोस्तों बोलूँ ना, मतलब अपनी मेहनत की कमाई जो रहती है ना वो सभी अपने को याद आता है कि यार ये जाना नहीं चाहिए था, वो मेरा मेहनत की कमाई का मोबाइल था, और सडनली उन्होंने ऐसा बताया कि ये तो नहीं। तब मैं मेरे हाथ में मतलब थोड़े पानी जैसा हो गया था, बोला यार आज अगर पुलिस वाले भाई साहब मदद नहीं करते मेरी तो शायद ही अच्छा मुझे फटका बैठने वाला था, तो थैंक यू फॉर दैट। मैं उनको बोलना चाहूँगा, मुझे उनका नाम याद नहीं है, बट हाँ लाइट मेरी चालू है, इतनी डिम की लग रही है। ये आ गए हम कोरेगांव पार्क में, कोशिश तो दोस्तों मेरा प्लान तो चल रहा है ये लाइक डेली के कुछ व्लॉग वीडियो बनाओ कुछ, तो काम की वजह से ना मुझे टाइम ही नहीं मिलता, मतलब कैसा उसको मैनेज करूँ वही मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अभी मुझे ये भी नहीं पता चल रहा है कि मैं जो घूम रहा हूँ वो इसमें रिकॉर्ड होगा कि नहीं, अभी क्या मालूम, होप सो हो जाए। साइकिल बहुत जोर की भूख लगी है, मैं इवनिंग से मतलब
ओ शेट, बहुत बड़ा खड्डा था, माय गॉड, शेट शेट शेट, रुका के देखना पड़ेगा। ओ शेट, देखता हूँ। यार गाइस, कभी भी ऐसे खड्डों को है ना हल्के में मत लेना, क्योंकि ऐसे एक बार क्या हुआ, मेरे बाइक के आगे के टायर में हवा कम थी और मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ, तो बहुत ज़ोरों की भी बारिश गिर रही थी तभी, और रेनकोट और हेलमेट पहना था मैंने, और हेलमेट के ऊपर इतने बड़े बड़े बूंदे गिर रही थी कि मुझे सामने का कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था, तो और खड्डा था उसमें पानी भरा था, तो उसमें सडनली गाड़ी मेरी जो है वो बम्प हो गई, तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया, मैं अपना चला रहा था, गाड़ी गया घर पे, पहुंचा पार्किंग में, लगा बाइक, उसके बाद ये वापस खड्डा, पार्किंग में लगाया बाइक, दूसरे दिन में उठने के बाद गया बाहर जाने वाला था, तब मैंने देखा कि अरे यार आगे के टायर में हवा कैसे क्या कम है, फिर मैंने जब ध्यान से देखा तो मेरा एलो व्हील जो है वो बेंड हो गया था, मतलब आप सोचिए कि इतने जो मतलब इतना ज़्यादा गहरा खड्डा था और उसमें इतने ज़ोर से गाड़ी बम्प हुई मेरी कि मेरा एलो व्हील ही बेंड हो गया। मैं बताऊंगा आपको कभी उसका फ़ोटो अपलोड करके, नहीं तो अभी टाइम मिला तो मैं इसके वीडियो के अंदर डाल दूँगा फ़ोटो टाइम मिला तो, क्योंकि अभी बज गए 11:45 और कल सुबह मॉर्निंग को मुझे ऑफिस भी जाना है, जो कि मेरा टाइम है सुबह 8 बजे से लेके शाम के 6:30 बजे तक। ये रहा वेस्टर्न होटल, ये गया पीछे वेस्टर्न होटल। आई डोंट नो कि आपको व्यू कैसा दिख रहा होगा या दिख पा रहा होगा, होप सो कि अच्छा ही दिखे आपको व्यू। तो मेरा मेन पर्पज़ यही था गाइस कि गाड़ी चला रहे आप ध्यान रखो, अभी पता नहीं मेरे हेडलाइट को क्या हो गया है, वरना इतनी वो ये नहीं करती कभी, शायद से बहुत ज़्यादा कीचड़ उड़ गया रहेगा इसलिए हेडलाइट ये नहीं कर रही होगी, ज़्यादा उसका हेलोजन नहीं छोड़ रही होगी, क्योंकि अभी मंथ हो गया मैंने अपनी बाइक को वॉश नहीं किया है। आप टायर को देख के ही अंदाज़ा लगा लो, टायर का कलर ब्लैक होता है और मेरे टायर का कलर ब्राउन हो गया है पूरा का पूरा, तो सोच लो कितनी मिट्टी उसके ऊपर, कितना कीचड़ वो जो है वो बैठ गया। अभी जाऊँगा, वीक ऑफ रहेगा तब जाऊँगा, मस्त अपना पूरी बाइक को धुलाऊँगा, सर्विसिंग कराऊँगा अच्छी। बट ये बारिश में क्या सीन क्या है मालूम है ना, धोके भी कुछ फ़ायदा नहीं यार, 5 मिनट के लिए भी बारिश आती है ना तो पूरी की पूरी बाइक जो है वो पूरी की ख़राब कर देता है। मुझे बारिश का सीज़न पसंद है बस इसी के कारण, क्योंकि कीचड़ बहुत होता है। डर मुझे बस खड्डे में जब गाड़ी में बम्प होती है ना तो मुझे डर वही लगता है कि कहीं मेरा फिर से एलो व्हील कहीं बेंड ना हो जाए, या फिर बेंड तो नहीं हो गया, यही मैं सोचते रहता हूँ, क्योंकि एक्सपीरियंस आया है मुझे और इसी वजह से मुझे वो डर लगता है। क्योंकि भाई ट्यूबलेस टायर का सीन कैसा रहता है कि चलो पंचर हो गया ना, वो आराम से कैरी कर लेता है, एक बंदे का वजन कैरी करके आप पहुँच सकते हो, मतलब अगर समझो किधर भी आपको पंचर वाला नहीं मिल रहा है, आप ढकलते ढकलते कितना लंबा जाओगे। फिर ये तो मस्त है ना, चलो सिग्नल छूट गया भाई जल्दी, क्योंकि मेरे को तो बहुत तगड़ी वाली भूख लगी है। तो फिर हाँ, अरे बात, रात रात पर भी डिलीवरी बॉयज काम करते हैं, अच्छी बात है यार, मेहनत कोई भी इनसे सीख ले करना यार। एक ही पैटर्न में रोड क्यों नहीं बनते, एक ही पैटर्न में मस्त स्मूथ ऐसे, देखो ना कैसा है ये उबड़ खाबड़ की ये रोड, फकटा पे पूरा ऐसा यार, क्या करते, इसको ब्लेम ब्लेम भी किसको करे कुछ समझ में नहीं आ रहा।
फटके मतलब फीट जो है वो मेरे दर्द करने लगे, पता नहीं मुझे क्या प्रॉब्लम है इसका। जब भी मैं बाइक बाइक चलाता हूँ थोड़ा लंबा जाता हूँ तो बहुत फीट चालू हो जाती है अननेसेसरीली। शॉप वॉप सब बंद हो गए, पूरी रात हो गई, 12 बज के गए शायद, मेरी नींद क्या मालूम पूरी हो रही है कि नहीं। यार ये डे टू डे जॉब से मैं पूरा बोर हो गया, कुछ अलग करना चाहता हूँ। डे टू डे जॉब में कुछ भी नहीं रखा यार, वो पूरा गजा मजूरी हो जाता है। रोज कुआं खोदो पानी पियो, रोज कुआं खोदो पानी पियो। महीने में सैलरी आती है, वो भी रेंट का घर रहेगा तो वो पूरी की पूरी अपनी विश जो है वो फुलफिल नहीं कर पाती सैलरी। और अगर कम है तो फिर वो गाना याद आता है बप्पी लहरी का, लॉ लग गए तेरे लॉ लग गए, ऐसी हालत हो जाती है। थोड़ो कल की बातें, शायद आप शायद तो देख नहीं पाए कि बप्पा का मूर्ति वो बहुत मस्त दिख रहा था वहाँ पे। ये रास्ता तो आप अगर चलाओगे भाई तो 101% गुस्सा आएगा और गाली देने का मन करेगा, इतना